सो बच्चों होम असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको जो फॉर्मुलेस बनाए थे वो आपको लर्न हो गए होंगे अच्छे से। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाय सेलिंग कैमरा ऑफ रुपीज 1690 अंशु गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 130। अंशु को प्रॉफिट कितना हुआ 130 रुपीज का। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, एसपी ऑफ कैमरा 1690 रुपीज एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 130। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। सो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो कैसे करेंगे इसको, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट कब होता है जब आपका एसपी माइनस सीपी, इट मींस एसपी ग्रेटर होता है। सो प्रॉफिट हमारे पास में क्या है 130 रुपीज, एसपी हमारे पास गिवन है 1690 एंड सीपी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सीपी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है सीपी पर होता है। पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास में है गिवन है, सीपी हमारे पास नहीं है। सो सीपी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो 130 इज इक्वल टू 1690 माइनस सीपी। सो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। सो 1690 माइनस 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 6 और यहाँ पर कितना रह गया 15, 15 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी 16, सो 1560 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो तो वैल्यूज आपको गिवन है जो आपने फाइंड आउट किया यहाँ पर पुट कर देंगे। प्रॉफिट हमारे पास कितना था 130 रुपीज एंड सीपी इज इक्वल टू 1560 मल्टीप्लाई 100। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ऊपर कितना हो गया 130 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300। सो 156। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके क्या आएगा आपके पास में 8.33 परसेंटेज अप्रोक्स ये आएगा। ओके सो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज पूछा उसने, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने देखा हमारे पास क्या क्या है, जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी और जो नहीं है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। सो सीपी हमें फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट में और सीपी में एक रिलेशन होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो 130 इज इक्वल टू 1690 माइनस सीपी। सो बस इसको सॉल्व किया और वैल्यूज पुट किए, आंसर आपके सामने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अश्वनी बोर्ड 35 केजी ऑफ वीट एट रुपीज 10 पर केजी एंड 25 ऑफ वीट एट 8 पर केजी। ही सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज 11 पर केजी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या गिवन है हमें इसमें, 35 केजी वीट उसने खरीदे 10 पर केजी के अकॉर्डिंग एंड 25 उसने बाय किए 8 पर केजी के अकॉर्डिंग। उसने दोनों का मिक्सचर सेल कर दिया 11 पर केजी रुपीज के हिसाब से। सो फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सो आइए देखते हैं इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। क्वेश्चन फिफ्थ, अश्वनी बोर्ड 35 केजी ऑफ वीट। सो पहले प्राइस लिखते हैं, प्राइस ऑफ 35 केजी कितने हो जाएंगे, क्योंकि 10 पर केजी के अकॉर्डिंग था तो क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 350। सिमिलरली क्या हो जाएगा 25 केजी का करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 8 पर केजी, सो 200 रुपीज हो गए। सो टोटल सीपी कितना हो गया हमारे पास में ऑफ वीट इज इक्वल टू 350 प्लस 200, सो 550 रुपीज। इसके बाद हमें क्या करना है, 550 हो गया हमारे पास में, देन नेक्स्ट है हमारे पास में
ही सोल्ड द मिक्सर, अब उसने सोल्ड कर दिया, मीन सेल कर दिया मिक्सर कितने में, सो एस पी ऑफ मिक्सर टोटल हमारे पास में कितना था, 35 प्लस 25 इज 60 केजी, सो 60 केजी मल्टीप्लाई 11 पर केजी, सो कितना हो जाएगा 660, ये क्या आ गया हमारे पास रुपीज। सो अब देखो उसको सीपी हमारे पास में कितना था 550 और एसपी क्या था 660, सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या हुआ उसको प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, क्या हो जाएगा 660 माइनस 550, सो 011, सो 110 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। सो क्या हुआ हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट हमें हुआ है 110 का और सीपी था हमारे पास में 550 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, सो कितना हो जाएगा 15 में जो 15, 15 टू जा 110, सो 210 जा 20, सो 20% का हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है।